हाय गाइस, दिस इज जियान। यू वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से और आप ही के लिए, आपके अनुसार आज की ये जॉब आप लोगों के लिए है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की जॉब होने वाले हैं, वो जॉब जो है, मैं दावा करता हूं कि अभी के टाइम में आपको कौन सी भी बड़ी एजेंसी या कंपनी क्यों नहीं रहने दो, उनके पास ये जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लेके आया है डायरेक्ट जॉइनिंग वाली जॉब्स। हर समय हम लोगों के पास एनी टाइम डायरेक्ट जॉब ही मिलती है, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आपका कॉन्टेक्ट रहता है। उन आपकी सैलरी, आपके कमाए हुए पैसे, आपके मेहनत का पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। बीच में कोई भी उसको लेने वाला, आपका पैसा बीच में कोई खाने वाला, आपका पैसा बीच में कोई चुराने वाला कोई भी नहीं रहता। तो गाइस, आज की ये जॉब होने वाली है वो काफी डिमांडेबल जॉब है, काफी टाइम से डिमांड चल रही है उसकी, और इसकी डिमांड इतनी है और ये जॉब इतनी ऑफिशियल और इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। मतलब इस जॉब के लिए अगर कोई अप्लाई नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब समझो कि वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। तो गाइस, आज की जो जॉब होने वाली है वो क्लाउड किचन की होने वाली है। क्लाउड किचन की जॉब, आपने बड़ा बड़ा फॉर्म का नाम सुना होगा, जैसे कि स्विगी का आपने नाम सुना होगा, जोमैटो, स्विगी, जेप्टो, वो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो फूड इंडस्ट्रीज में एक अच्छा नाम है इनका। स्विगी हुआ, जोमैटो हुआ, तो इनका फूड इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम है। इनका एक किचन रहता है, इनका किचन बोले तो इनका जो ऑर्डर आता है, ये कंपनी क्या करती है, अपना एक जो है रेस्टोरेंट खोल के रखती है। उस रेस्टोरेंट में ये कुछ कैंडिडेट्स, ये कुछ पकाने वाले जो है लड़के रखते हैं। तो आपको जॉब मिलेगी इस रेस्टोरेंट में, इस रेस्टोरेंट में आपको काम मिलेगा। स्विगी और जोमैटो का एक ये रेस्टोरेंट है और ये डायरेक्ट आप जो ज्वाइन होते हैं वो स्विगी जोमैटो से डायरेक्ट लिंक रहता है आपका, डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं। आपकी जो सैलरी आती है ये इनके थ्रू आती है, स्विगी और जोमैटो के थ्रू आती है आपकी सैलरी। तो अब आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका जो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपका टाइमिंग क्या रहेगा और कैसी जॉब होने वाली है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे, उसके बाद मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपके माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया होगा जो कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। फिर भी करेंगे मेरे भाई, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में है। मतलब अच्छा, कमेंट बॉक्स से एक याद आया कि हम लोगों का शुभ चिंतन काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स है और काफ़ी हमारे भाईचारे ऐसे भी है जो मतलब हम लोगों की बहुत चिंता करते हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत उसमें जो है लो आती है या फिर आपका वीडियो जो है सही नहीं है। तो मैं अपने भाई लोगों से बोल देता हूं और उन लोगों को भी बोल देता हूं, क्लियर कर देता हूं आज ये बात कि हम लोग कभी भी उस थॉट में काम नहीं करते हैं। हमारा काम करने का एक ही मोटिव रहता है कि आपको अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छा काम मिले। अब हमारा यूट्यूब चैनल कैसा है, हमारा जो वीडियो कैसा बना है, बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड में पिक्चर चल रहा है, जो साउंड कैसा आ रहा है, उसमें क्वालिटी कैसी है, व्यूज़ कितने आए हैं, लाइक कितने मिले हैं, वो सब हम लोग नहीं चेक करते हैं। आज मैं एक सच बताता हूँ, मेरी जो वीडियो बनाने की टीम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो कैंडिडेट्स की है। कितनी? सिर्फ दो कैंडिडेट्स की। एक भाई आपके सामने खड़ा है जो वीडियो बनाता है, दूसरा भाई जो उस तरफ से जो स्टैंड पकड़ के रखा है, मतलब जो ये बंद चालू का करता है, वो हम लोग सिर्फ दो आदमी जो है वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारी जो पीछे की टीम है, जो कॉल अटेंड करती है, जो लड़के लोगों को फोन करती है, जो लड़के लोगों का फोन रिसीव करती है, उनका जो है लोकेशन भेजती है, वो अगर टीम की बात करूं तो मिनिमम जो है 15 कैंडिडेट्स हैं ऑफिस में, 15 आदमी ऊपर से लगाकर पूरी की पूरी चेन है, आपका पूरा फॉलोअप लेते हैं उस चीज का। तो हम लोग जो है इस पे जो फोकस नहीं देते हैं कि वीडियो कैसा बना है, उसका क्वालिटी क्या है, हम लोग उस पे फोकस नहीं करते। हम लोग उस पे फोकस करते हैं कि आज की वीडियो में
आज का वीडियो देख के हम लोगों के पास कितने लड़के ने कॉल किया है और उसमें से काम वाले कितने हैं, उस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। और 10 कॉल आया है आज के दिन में या फिर एक घंटे में या फिर एक मिनट में 10 कॉल में मेरे पास कितने बंदे आएंगे और मेरे उस काम से कितने बंदे खुश हैं और वापस जो है कितने जो है रीजॉइनिंग करेंगे, तो हम लोग उस थॉट पे काम करते हैं, ना कि इस थॉट पे काम करते हैं। तो हम लोगों का एक मोटिव कुछ अलग ही है। हम कभी भी जो है पीएसए के लिए काम नहीं करते हैं, जहां आपको दूसरी कंपनियां जो है बुला के बोलेगी कि ऑफिस आ जाओ, हम लोग के पास ये जॉब मिलेगी, वो जॉब मिलेगी, ये जॉब मिलेगी, एक्स जॉब मिलेगी, वाई जॉब मिलेगी, जेड जॉब मिलेगी, इतना बताने के बाद में लास्ट में क्या बोलेगी, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए दे दे भाई, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए दे दे भाई, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए दे दे भाई। कहने का मतलब है कि उनका फंसाने का एक आइडिया रहता है, जो आपको एक फैमिली के नाम पे, आपको एक ब्रांड के नाम पे, आपको एक बड़ी फर्म के नाम पे लूटने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता है, यहाँ आपका एकदम आईने की तरह साफ रहता है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे पास 9,000 वाली भी सैलरी की जॉब रहेगी। आने वाले कैंडिडेट्स आते हैं 9,000 में भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स काम करते हैं, आते हैं, ज्वाइन होते हैं, लेकिन अगर मुझे जो है लड़के की जरूरत है तो मैं 9,000 की जगह उसको 15,000 नहीं बोलूंगा। क्या ये नहीं बोलूंगा कि जो है 15,000 मिल रहा है, जो मिल जाएगी आ जाओ, तुमको सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी। आने के बाद ड्यूटी करेगा एक महीना बेचारा, एक महीना ड्यूटी करने के बाद मुझे कितना देना रहेगा, जितना मुझे देना है बोले तो 9,000 रुपया। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करते, फंसाने का काम हम लोग करते ही नहीं है। हम लोगों का एक ही थॉट रहता है कि बंदा हमारे थ्रू काम पे जाए और वो अच्छा रिस्पॉन्स ले, अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे। मेरे पास 9,000 की भी मिलेगी, मेरे पास 15,000 की भी मिलेगी, मेरे पास 70,000 की भी सैलरी की जो मिलेगी आपको, वो जो सैलरी रहेगी वो उतनी ही रहेगी। इसमें मैं अगर बोल दूं आपको कि जो है खाना फ्री मिलेगा, खाना फ्री मिलेगा, इसमें बोलता हूँ रूम फ्री नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो एक ही मोटिव रहता है, जो बोला जाता है वो दिया जाता है, जो दिया जाता है वो आपको अकाउंट में क्रिएट होता है। तो गाइस कुछ ज्यादा ही हो गया, आज के टॉपिक पे चलता हूँ। आप बोलेंगे क्या सर हर एक वीडियो में भाषण देते हैं नेता की तरह, समझते ना, तो नेता नहीं हूँ। तो आज का जो जॉब होने वाला है कमाल का जॉब होने वाला है, रियल में कमाल का जॉब होने वाला है, विश्वास नहीं मानेंगे, कमाल का जॉब होने वाला है। सर जी बोले तो सही है ना, बताता हूँ आज की जो जॉब होने वाली है क्लाउड किचन की जॉब होने वाली है। जैसा मैंने बताया आपको कि स्विगी एंड जोमाटो इनका एक रेस्टोरेंट रहता है। इस रेस्टोरेंट में जो कैंडिडेट्स काम करते हैं यहाँ पे आपकी हायरिंग रहेगी, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए कैंडिडेट्स को क्या चाहिए पहले वो देखेगा। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो साफ सुथरा हो, साफ सुथरा। साफ सुथरे का मतलब समझते हैं ना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में साफ सुथरा लिखता हूँ। साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा। आप साफ सुथरे का मतलब समझते हैं ना, बाल ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो गांव से हीरो की तरह संजय दत्त की तरह आता है, अब बाबा मेरे पास जो अब मेरे लिए जॉब है क्या रे बाबा, तो संजू बाबा की तरह हम लोगों के पास नहीं आना चाहिए इस जॉब के लिए, ठीक है। कटिंग एक तक हेयर कटिंग होनी चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन। दूसरी आपकी सेविंग होनी चाहिए, सेव की हुई साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है इतना बड़ा जो है दाढ़ी रख के जो है उठ के आ जाए, नहीं, साफ जो है सेव होनी चाहिए, साफ सेव होनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो स्टाइलिश रखिए ताकि एक लुक लगे, उनको देखने में भी अच्छी लगे। सेफ होनी चाहिए, प्लस नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक तो आप हो गया आपका कटिंग, बोले तो साफ सफाई। दूसरा हो गया आपका जो है दाढ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा हो गया नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। और चौथा आपका हो गया इसमें बंदा शर्ट पेंट में होना चाहिए, शू होना चाहिए। तो आप सोचिए इतनी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझिए, इतनी बड़ी एक ऑफिशियल जॉब आप लोगों के लिए, किस में, स्विगी में, जैसा नाम रहता ना
वैसा ही जॉब रहती है। स्विगी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा खाना जो पिक करके जो स्विगी जोमेटो का जो खाना हम लोग ऑर्डर करते हैं वो स्विगी जोमेटो उसमें रेस्टोरेंट में काम, उसको हम लोग क्लाउड किचन बोलते हैं, क्लाउड किचन के नाम से वो जॉब रहती है। अब आती है आपकी काम की बात कि आपका काम क्या रहेगा वहां पे। तो आपका काम की बात करूं तो मैं आपका क्या काम रहेगा कि स्विगी का इनका जो है रेस्टोरेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि खाना बना बनाया हुआ रेडी खाना, क्या रेडी खाना ये लोग जो है पैक करके इस रेस्टोरेंट को भेजते हैं बल्क में, एक साथ में बहुत सारा टेम्पो में ट्रक में मतलब बहुत सारा डाल के। जैसे मान लो कि जो है एक समोसा हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि बना बनाया समोसा आज सुबह बनाते हैं या फिर एक घंटे दो घंटे में बनाते हैं, बना बनाया समोसा या फिर बना बनाया मतलब कुछ फूड जो रहता है रेडी फूड रहता है जिसकी वैल्यू जो है शाम तक खत्म होती है, समझते हैं ना, जो शाम तक खराब नहीं हो ऐसी चीज वो ये लोग क्या करते हैं पैक बना के जो है इस रेस्टोरेंट को भेजते हैं। यहाँ से यहाँ का जो मेन किचन रहता है ना वहां से ये लोग वहां से भेजते हैं इस रेस्टोरेंट को। और यहाँ पे जो है स्विगी वाले क्या करते हैं कि जो है ए एरिया में एक रेस्टोरेंट, बी एरिया में एक रेस्टोरेंट, सी एरिया में एक रेस्टोरेंट, जो है अलग अलग एरिया में जो है ये लोग छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट खोल के रखते हैं, खोल के बैठे हैं। वहां पे क्या करते हैं कि ये लोग सप्लाई करते हैं अपना खाना। तो आप लोगों को क्या काम रहेगा वहां पे उस रेस्टोरेंट में कि ये जो खाना रहता है, ये जो उनका जो पैक किया हुआ खाना रहता है, रेडी खाना रहता है, उनको उस खाने को ऑर्डर के हिसाब से, आपका मान लो ऑर्डर आया, मान लो कि जो है कोई लड़का ऑर्डर लेने के लिए आया, ऑर्डर तो समझते हैं ना कि जो स्विगी का ऑर्डर आया, कोई राइडर आया, राइडर बोले तो बाइकर जो गाड़ी चलाता है स्विगी का, जो लड़के लोग डिलीवरी देते हैं ना, वो डिलीवरी वाला आया आपसे फूड लेने के लिए, आपसे खाना लेने के लिए, आपका क्या काम रहेगा कि मान लो मैगी का ऑर्डर आया, ठीक है, कि जो है 3 पैक मैगी चाहिए ऑर्डर आया, आपको क्या करना है कि ये जो मैगी है यहाँ से क्लाउड किचन से यहीं से उठा के जो है आपका जो ओवन रहता है ना, ओवन अंदर का, उस ओवन में रख के हॉट करना है, गर्म करना है, गर्म करके उसको अच्छे से पैक करना है, अच्छे से पैक करना है, और पैक करके वो जो राइडर आता है, क्या वो जो राइडर, अरे यार ये तो राइडर कर लेते रख मन का यार, एक्चुअली जो है फोटो बनाना नहीं आता है, जो राइडर आता ना स्विगी जोमेटो वाला, आपको उसको हैंड ओवर करना है, रेडी फूड रहता ना उसको हॉट करके, उसको गर्म करके जो है राइडर को देना रहेगा, इस राइडर को देना रहेगा। अब इसमें क्या रहता है कि आपको इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए, इंग्लिश बोले तो मैनेजेबल इंग्लिश, जो हम लोग फोन पे चलाते हैं ना, फोन पे जो हम लोग इंग्लिश सीखते हैं ना, बस वो इंग्लिश। कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर आता ना है वो ऑर्डर को आपको रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, कहने का मतलब है पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश, और थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है इसको जो है समोसा ऑर्डर किया, ऑर्डर आया है, और इसको जो है मैगी पकड़ा दी, मैगी ऑर्डर आया है तो नहीं तो जो इसको जो उपमा पकड़ा दिया, ऐसा काम नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जो वो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर अच्छे से पढ़ सके, और पढ़ के उसको अच्छे से रीड करके आप जो है उस राइडर को दे सके, बस उतना ही काम रहता है, बस इतना ही काम रहता है, ज्यादा कुछ हार्ड काम नहीं है। आपको जो है ये नहीं बोलेगा कि वहां जाके जो हिलाओ, मतलब हिलाने का मतलब कुछ गलत मत समझिएगा ना, हिलाने का मतलब है कि वहां कढ़ाई में कुछ जो है चमचा हिलाते रहो और सब्जी बनाते रहो, वो सब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ग्रेजुएशन वाले की जरूरत है, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे साफ सुथरे रहने वाले कैंडिडेट्स उनकी जरूरत है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होने वाला है, हार्ड वर्क के नाम से कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना इजी काम मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा देखने को, ये मैं आपसे चैलेंज करता हूं, इतना इजी काम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये तो हो गया आपके काम की बात,
अच्छे से आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपका काम क्या रहेगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल से ऐसा याद आया कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो है रात में कॉल मत कीजिए, वो मैं बोल बोल के बोर हो गए हूँ। फिर भी लोग कॉल करते हैं रात के 11 बजे 12 बजे, उनकी मर्जी है भाई। आप लोगों का प्यार है इस भाई के ऊपर तो कीजिए, मैनेज करते हैं। मैं आज ये बोलूंगा कि कॉल से याद आया कि आप लोगों के लिए एक और अच्छी फैसिलिटी हम लोगों की कंपनी ने चालू की है। आपसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर देखने को मिलता था, क्या एक ही नंबर देखने को मिलता था स्क्रीन पे, लेकिन अब आपको दो नंबर देखने को मिलेगा। कॉल करने के लिए अब आपको दो नंबर देखने को मिलेगा। जो नया नंबर रहेगा उसका टाइम 9 बजे से 9:30 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक रहेगा, और उसको कंपनी की, हमारी ऑफिस की कंपनी की एक लड़की रिसीव करेगी। अरे सर क्या बोल दिया, लड़की रिसीव करेगी? तब तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, उसी नंबर पे कॉल करूंगा, है ना। लड़की का मतलब वो आपका फोन रिसीव करके आपका डिटेल्स देगी, ऐसा नहीं कि जो है समझते हैं ना। तो आप आज से आपके लिए दो लैंडलाइन नंबर आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि कॉल इतने आते हैं कि एक एक कैंडिडेट्स को एक्सप्लेन करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, एक जॉब की डिटेल्स देने में। तब तक दूसरा कॉल वेटिंग में चला जाता है। फिर क्या रहता है कि जो नीडेड कैंडिडेट्स रहता है, जिसको जरूरत ज्यादा रहती है काम की और जिसके पास टाइम नहीं रहता वापस कॉल करने के लिए, तो वो बेचारे क्या करते हैं इस अवसर से जो है चूक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए और हमारी कंपनी में एक और अच्छी फैसिलिटी कि आपको आपसे दो नंबर देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, दो नंबर। तो आपको आज से दो नंबर देखने को मिलेगा। अच्छा अब हुआ था आपका काम का बात की आपका काम क्या रहता है, ठीक है। अब मैं आप बारी करती हूँ सैलरी की, सैलरी क्या रहेगी इसमें। इतना सारा सब कुछ सर रामायण बता दिया आपने, लंबा चौड़ा क्या, अब सैलरी तो बताई है। हल्लो भाई हल्लो, बताता हूँ, सांत्वना धीरे से बैठिए, आराम से देखिए। सैलरी होने वाली है इसमें 11,000, 11,000 सैलरी होने वाली है। मुझे पता है ये सैलरी देख के काफी लोग जो है लेफ्ट हो जाएंगे, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। सर 11,000 सैलरी? क्या सर, हम लोग तो 15,000 सैलरी कमा रहे। एक्चुअली मैं कल परसों मेरे पास किसी कैंडिडेट्स का कॉल आया था, गोवा से बोल रहा था। सर मैं गोवा में रहता हूँ, होटल में जो मुझे जो 25,000 रुपये मिल रहे हैं, 25,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा बात है भाई, तुमको 25,000 रुपये मिल रहा है भाई, तो फिर तुम मेरे पास फोन क्यों किया ये बताओ मुझे। ये बताने के लिए फोन किया था कि मुझे 25,000 रुपये मिल रहे हैं क्या? अगर तुमको 25,000 रुपये तो कमाओ ना यार, फोन क्यों किया मेरे पास, सही है ना। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास जो सैलरी रहेगी ना वो एकदम करेक्ट सैलरी रहेगी, 11 बोले तो 11 ही मिलेगा। इससे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे तक देखिए, 11,000 सैलरी रहेगी प्लस प्लस, ये जो प्लस है ना ये बहुत बड़ा जो है फायदा करने वाला है। एक चीज ध्यान रखिए, हर वीडियो में प्लस लगता है, प्लस का मतलब समझ लीजिए कि आप पीछे जो है ना आपका बहुत जो है बेनिफिट वाली चीजें होने वाली है, इसमें बहुत ही जो है बेनिफिट वाली बातें होने वाली है। अच्छा प्लस, तो 11,000 सैलरी रहेगी प्लस ओटी रहेगी। ओटी समझते हैं ना, ओवर टाइम। ओवर टाइम इसमें जो है घंटे के हिसाब से रहता है, सिक्योरिटी लाइन में दिन के हिसाब से रहता है। एक बार और, कि होटल इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे वर्कर्स हुआ, हेल्पर हुआ, इन सब जो है घंटे के हिसाब से जो है ओटी रहती है, ओवर टाइम। और सिक्योरिटी लाइन में एक दिन के हिसाब से रहती है, तो इसमें जो है ओटी भी रहती है। अब ओटी जो है 1 घंटे की कंपनी आपको 60 रुपये देती है, 1 घंटे का ओटी का आपको 60 रुपये कंपनी देती है। और ओटी आपको कंपलसरी फिक्स रहती है, बोले तो ओटी रहती ही रहती है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, ओटी रहती ही रहती है। इस वीडियो में बोल रहा हूँ गारंटी से कि मिलेगी मिलेगी, मैं हर वीडियो में नहीं बताऊँ कि जो है आपको ओटी मिलेगी मिलेगी, पेमेंट इतना ही मिलेगा, हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में ये भी बोल रहा हूँ कि आपको पेमेंट के साथ में ओटी मिलेगी मिलेगी 1 घंटा, तो आपका 60 रुपये के हिसाब से ओटी हो गया, ओवर टाइम हो गया। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स है, प्लस लगा दिया मैंने पहले ही, देख लो बोले तो बेनिफिट्स आने वाले हैं। इसके अलावा प्लस बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसमें आपको, कि ESI PF आएगा, क्या रहेगा,
ईएसआई पीएफ, इसमें आपको ईएसआई और पीएफ दोनों देखने को मिलेगा। अब ईएसआई पीएफ काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर की जो ईएसआई पीएफ रहेगा तो जो सैलरी में से कट होगा, डिडक्शन होगा, सैलरी कम होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको जो है ना गलत फहमी हो जाती है, कभी कभी काफी कैंडिडेट्स को जो है ना ये गलत फहमी हो जाती है कि वो लोग जो है ना ईएसआई पीएफ को उसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद बोलते हैं कि सर इसमें काटने के बाद क्या आएगा। ऐसा नहीं है, 11,000 सैलरी, 60 रुपए पर आवर के हिसाब से ओटी, ठीक है, प्लस इसमें ईएसआई पीएफ। ईएसआई पीएफ का मैंने आपको एक वीडियो में, मुझे तक जहां याद है, मैं एक वीडियो आपको बताया था इसका बेनिफिट क्या है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा वो नहीं, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इसमें क्या रहता है कि आपके फैमिली से, आपके फैमिली से चार मेंबर्स का जो है हॉस्पिटलाइज, अगर आपको कुछ हो जाता है, बुखार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है, तो अगर आपके पास ईएसआई रहेगा, ईएसआई रहेगा तो आपको जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है इलाज फ्री रहेगा। क्या रहेगा? इलाज। सॉरी यार, मुझे एक्चुअली क्या है, हिंदी थोड़ा जो है वापस शायद सीखना पड़ेगा। तो इलाज फ्री, अरे यार इलाज नहीं यार, इलाज आपका जो है इलाज, समझते ना, चिकित्सा गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता है फैसिलिटीज, तो फ्री रहता है। आपको सिर्फ मेडिकल का वहां पे पैसा देना रहता है। मेडिकल बोले तो जो मेडिसिन अंदर में नहीं मिलता, बाहर से लाना पड़ता, उसका सिर्फ पैसा देना पड़ता है। तो इसका ईएसआई का यह बेनिफिट होगा यार। अब पीएफ, पीएफ का क्या बेनिफिट रहता है कि कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रहता है, जैसे 2% हुआ या 3% हुआ, जो भी रहता है आपके सैलरी पर कितना डिडक्शन करती है, वो डिडक्शन जो है कंपनी मान लो जो है एक 1500 रुपए डिडक्शन करती है आपका, तो 1500 रुपए आपका डिडक्शन करेगी, प्लस जो 1500 रुपए कंपनी डालेगी, तो 3000 रुपए आपका पीएफ का जाता है हर महीना। ये रहता है पीएफ का बेनिफिट। पीएफ आप जो है ना 6 महीना काम करने के बाद अगर काम छोड़ सकते तो आप जो है पीएफ वापस आपका उठा सकते हैं। ये कोई भी आपका खाने वाला बीच में नहीं है ये पैसा, ये आपकी मेहनत का पैसा है और ये पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है बाय गवर्नमेंट के थ्रू। समझते हैं ना, महीने का 3000 रुपए समझ लीजिए। अब 3000 से याद आया कि सर आप तो बोले थे कि 11000 सैलरी आएगी उसमें पीएफ कटेगा, बचेगा क्या? फिर वही बात बोलेंगे मेरे हिसाब से, नहीं ऐसा नहीं है। 11000 सैलरी प्लस 60 रुपया पर आवर के हिसाब से ओटी, ठीक है, प्लस ईएसआई पीएफ, ठीक है, प्लस और भी प्लस बेनिफिट है यार, बहुत सा बोला ना कि आज की जॉब में आपको जितना बेनिफिट देखने को मिलेगा उतना बेनिफिट आपको किसी भी जॉब में देखने को नहीं मिलेगा। आज के काम में जितना आपको लाभ देखने को मिलेगा उतना लाभ आपको किसी भी काम में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लस प्लस इसमें क्या है कि आपका जो ड्यूटी रहता है सिर्फ और सिर्फ 9 घंटा का ड्यूटी रहता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ओटी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि 12 घंटे करने के बाद उसको ओटी मिलेगा, बेचारा करेगा कैसे 12 घंटा, तो उसको ही वहां से नींद आने लगी है, सर काम नहीं होता सर, समझते ना। तो 9 घंटा ड्यूटी है, पहले ही बताना। ये देखो यहाँ पे स्विगी, ये नाम से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी फॉर्म है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें काम है, इसका मतलब समझ लो कि ऑफिशियल काम है। तो 9 घंटा ड्यूटी रहेगी, 9 घंटे से आप एक्स्ट्रा के 10 घंटा किया, 11 घंटा किया, 12 घंटा किया, जो भी रहता है वो 60 रुपए के हिसाब से काउंट होगा। इसके अलावा प्लस, और मैं प्लस बोल रहा हूं, ठीक है, प्लस बता रहा हूं, और प्लस जो है आपको 26 दिन काम करना रहेगा। कितना दिन? सिर्फ और सिर्फ 26 दिन काम करना रहेगा। 26 दिन का मतलब समझते ना, हफ्ते का 4 छुट्टी, वीकली 4 ऑफ, वीकली 4 छुट्टी, हफ्ते का 4 छुट्टी मिल रहा है आपको यहां पे, समझते हैं, हफ्ते का 4 छुट्टी मिल रहा है, 9 घंटा ड्यूटी रहने वाला है, पीएफ रहने वाला है, ईएसआई रहने वाला है, 60 रुपए पर घंटे के हिसाब से ओवर टाइम रहने वाला है, 11000 सैलरी रहने वाला है। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बोले तो ऐसा भी नहीं कि जो है उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं वो डिग्री होना चाहिए, नहीं, सिर्फ आपको इंग्लिश आना पढ़ना चाहिए थोड़ा, बस उतना ही, वो काफी है। अब बारी आती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज में आपका चाहे हिंदी वाले हैं,
चाहे कनाडा वाले हैं, ठीक है, चाहे तमिल वाले हैं, चाहे तेलुगु वाले हैं, कोई भी लैंग्वेज रहने दो, कंपलसरी क्या रहेगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, हिंदी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, इसके साथ में आपकी लोकल लैंग्वेज कोई भी रहने दो चलेगी, नहीं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसके साथ में आपकी लोकल लैंग्वेज कौन सी भी रहने दो चलेगी। तो लैंग्वेज का आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आती है एज लिमिट की बारी। तो एज लिमिट में हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं कि गवर्नमेंट के आप में जाएंगे तो आपको जो है 18 से लगाकर इसमें जो है 25 ईयर्स लास्ट रहता है, 18 से लगाकर 25 साल इसमें लास्ट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, चाहे आप आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं या फिर चाहे आप लोकल वाले क्यों ना हो। अब और बेनिफिट सुनो, ये तो बहुत दूसरा बेनिफिट होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट जो काफी लोगों के जो है माइंड में रहता है और तकलीफ वाला भी रहता है उसमें ये है कि इसमें फूड प्लस रूम। अरे सर मजा आ गया, खाना भी फ्री मिल रहा है, रूम भी फ्री मिल रहा है, 11,000 की सैलरी मिल रही है, और क्या चाहिए, क्या फूड और रूम, वो भी बिल्कुल फ्री 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 फ्री। कितनी बार लिखा हो गया यार, खाना फ्री, रूम फ्री, पूरा फ्री ही है यार। अब आपके लिए काम तो करना आपको है, आपको करना है काम क्या। और खाने भी ऐसी बात नहीं है कि जो है आपको जो है कुछ भी बना के खिला दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप किचन में काम करेंगे, किचन का मतलब समझ रहे हैं ना, एक किचन में काम करेंगे, एक होटल में काम करेंगे, एक रेप्यूटेड रेस्टोरेंट में काम करेंगे, इसका मतलब समझते हैं कि खाना कैसा रहेगा, समझ गए ना, अच्छा ही खाना मिलेगा, प्लस तीनों टाइम दबा के खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार इतना ही मिलेगा, इतना में काफी है, काम चलाओ, वो सब नहीं है। स्विगी है, ये स्विगी खाने का हब है, ये हब समझते ना, एक भंडार है ये। तो किचन में रूम फ्री ही रहेगा, ठीक है, रूम फ्री रहेगा, प्लस फूड फ्री रहेगा, प्लस सबसे बड़ा क्या, जॉब तो फ्री है, जॉब तो फ्री है आप लोगों के लिए, जीरो प्रोसेसिंग चार्ज, नो एनी फीस, नो एनी फीस। क्या चाहिए यार, कहाँ आपको पैसा लगने वाला बताओ मुझे, अब इसमें कहाँ आपका पैसा खर्च होने वाला है इसमें बताओ मुझे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर से लेके आने वाले स्टेशन तक जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा आपका पर्सनल खर्चा है, क्या वो आपका पर्सनल खर्चा, वही खर्चा सिर्फ आपको लगेगा, इसके अलावा कोई भी खर्चा लगने वाला नहीं है। हाँ अगर आप सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो भी है वो आपका अपना रहता है, ऐसा नहीं कि जो कंपनी आपको जो है सिर्फ सिगरेट भी देती है क्या, बीड़ी भी देती है क्या, गुटखा भी देती है क्या, नहीं भाई नहीं, विमल का प्रचार करने नहीं आया हूं मैं, ना कंपनी विमल का प्रचार करती है, वो सब नहीं मिलता है, दारू पानी यहाँ पे काम नहीं चलता, नाम मत लेना। तो रूम फ्री, खाना फ्री, 11,000 सैलरी, 60 रुपये पर घंटे के हिसाब से जो है ओटी, प्लस हफ्ते का एक छुट्टी, संडे का नहीं रहेगा, कौन से भी एक दिन रहेगा लेकिन छुट्टी रहेगा, हफ्ते का एक छुट्टी, प्लस ESIPF। कहने का मतलब है कि मैं कितना बेनिफिट बताऊं यार, इसमें कितना बेनिफिट बताऊं, इतना बेनिफिट बताऊंगा, इतना बेनिफिट बताऊंगा इस जॉब में, अगर एक एक में आइटम पूरा और एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे हिसाब से वीडियो वीडियो नहीं बनेगा, पूरा पिक्चर बन जाएगा 3 घंटे का, जो आप देख भी नहीं पाएंगे, सही है ना, आप देख नहीं पाएंगे, 3 घंटे का पिक्चर बन जाएगा पूरा। तो ये जो है एक शॉर्ट पिक्चर समझ लीजिए, वर्क एट आवर का शॉर्ट पिक्चर, क्लाउड किचन के नाम से आपके लिए जॉब, 11,000 सैलरी, भाई भूल ही गया मैं एक और चीज आप लोगों के लिए, 11,000 तो जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर के लिए है, किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर के लिए है। अगर आपको एक्सपीरियंस है किचन में, अगर आपने काम किया पहले किचन में, इस चीज का नॉलेज है, तो आपकी सैलरी जो है 12,000 रुपए है, कितना, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर आपको
2-3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी जो है 15,000 है। कितनी? 15,000। फैसिलिटी सेम, रूम भी फ्री है, इसमें भी रूम फ्री है, इसमें भी रूम फ्री है, इसमें भी खाना फ्री है, इसमें भी खाना फ्री है, इसमें भी खाना फ्री है, इसमें भी सेम छुट्टी है, इसमें भी सेम छुट्टी है, इसमें भी सेम छुट्टी है। अब एक हिसाब से मान के चलो कि हर कोई बंदा बोलेगा सर तो मुझे 15,000 सैलरी चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है, आप आइए, इंटरव्यू लेगा आपका, ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग 2 दिन की रहेगी, 2 दिन का ट्रेनिंग का आपको बकायदा पैसा मिलेगा। आप गांव से आए, डॉक्यूमेंट सबमिट कराए आपका, तो समझ लो आपका ज्वाइनिंग पक्का हो गया। ज्वाइनिंग जितने दिन ट्रेनिंग रहेगी उतने दिन का पैसा मिलेगा, बोले तो आपका जो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग रहेगा ना वो जो है आपके सैलरी में ही चलेगा। ऐसा नहीं कि जो है 2 दिन जो ट्रेनिंग रहेगी तो उसका पैसा काटेगी, डिडक्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक और बात बता देता हूँ कि मिनिमम आपको जो इसमें 6 मंथ्स काम करना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीना काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ईएसआई और पीएफ ये आप निकाल पाएंगे। और सबसे बड़ी एक बार बात बता देता हूं, मैं भूल ही गया, सबसे बहुत बहुत बड़ी बात, अगर आप इसमें 6 महीना काम कर देते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ ठोक के आज बोलता हूं कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी जो है आपको सर्टिफिकेट देगी। क्या देगी? सर्टिफिकेट। एक्स वाई जेड कंपनी में एक्स वाई जेड बंदे ने हमारे यहां 6 महीना काम किया, उसको 6 महीने का किचन का एक्सपीरियंस है। सर्टिफिकेट बता रहे हैं ना, सर्टिफिकेट बहुत बड़ी बात होती है। आप पढ़ाई करने जाते हैं, 1,000 रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं, जब कंपनी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है, यहां का आपको पैसा भी मिलेगा, आप खाना भी फ्री में खाएंगे, रूम भी फ्री में रहेंगे, ज्वाइनिंग भी फ्री में रहेगी, ज्वाइनिंग का कोई चार्ज भी नहीं लगेगा, और 6 महीने काम करने के बाद में आपको जो है कंपनी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी कि ये कंपनी, ये बंदा जो है इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे हम लोग के पास 6 महीना काम किया हुआ है, ये इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट आप 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, मान लो आप यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, अगर आपको जो है दूसरी कंपनी में जाते हैं, अदर कंपनी में जाते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको वहां पे शो करना पड़ता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना स्विगी, इसका नाम देख के ही